तो आज हम लोग जा रहे डिनर के लिए। मिस्टर सिंह को कन्विंस कर करके आज 3 दिन के बाद मुझे ये डिनर कराने लेके जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी डिनर डेट पे भी जाना चाहिए ना, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। देखो अभी भी मुंह बना रहे हैं। तो आज हमारा छोटा सा प्यारा सा एकदम क्यूट सा डेट होगा। होता क्या है कि गांव में थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा नहीं, लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर नहीं, गांव से निकलने के बाद ओवरऑल 18 से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, और दूर बना दो, 18 से 20 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। तो जितना भी दूर है उसमें क्या होता है, थोड़ा जाना पड़ता है। रात के टाइम में थोड़ा सा मेरे को आलस आता है जाने के लिए, इसलिए मेरे को मन नहीं करता। नहीं, ये तो ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है, क्योंकि ये जो मिस्टर विशाल सिंह है ये वहां पे भी लेके नहीं जाते, क्योंकि वहां पे आलस आता है, वहां पे टाइम नहीं है। तो अब जब मेरे घर मुझे लेके आओ तो फिर मेरे तरीके से रहना पड़ेगा, है कि नहीं? ये दादागिरी है क्या? हाँ, ये दादागिरी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अड़वा, मेरे को बोला है नेल पॉलिश दिलाएगा और हम लोग खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा व्लॉग होगा, बट बहुत ही प्यारा होगा, क्योंकि हम दोनों जब साथ में रहते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजे करते हैं, और खाना खाने में तो हम दोनों एकदम मास्टर हैं। हमें खाने का बहुत शौक है, तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कुछ नया ट्राई करते हैं या फिर वो सेम एज इट इज खाते हैं जो हमेशा खाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि अभी हम लोग बस गढ़वा पहुँच ही गए हैं, मतलब अभी एंटर कर गए हैं। तो अब देखते हैं कि कौन से प्लेस पे जाते हैं खाना खाने को। तो कहाँ जाना है विशाल? देखते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, डिसाइड नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। पर नेल पॉलिश तो दिलाना है। नेल पॉलिश तो मैं ऐसा बोल रही हूँ जैसे हमको माछी वाली है, हमको पहाड़ काट के तुमको देना है। वही करना है। नेल पॉलिश और लिपस्टिक उतना इम्पोर्टेंट है जितना किसी लड़की के लिए गोल्ड ज्वेलरी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारी चीजें जो यू डोंट नो, सारी चीजें मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमको नहीं पता, ठीक है? सब कुछ बहुत सारी चीज। तुम क्या सोच रही हो वो भी हमको पता। बताओ क्या सोच रहे हैं? ठीक है, एक नेल पॉलिश लेंगे या दो नेल पॉलिश लेंगे, सब बात नहीं सोच रहा। क्या सेमड़ी, चल सेमड़ी सेमड़ी ऐसे बोलते हैं। और पब्लिक क्या चल रहा है? हम लोग का तो सब सही चल रहा है, तुम लोग अपना बताओ क्या चल रहा है। और हम लोग का जो चल रहे हो आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछो क्या चल रहा है, हम लोग सब बताएंगे क्या चल रहा है। देखो कैसा क्या क्या चल रहा है, देखो सामने इतना जाम चल रहा है। चलिए अब हम लोग डिसाइड करके मिलते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, और नेल पॉलिश का कलर भी बताएंगे, रिवील करेंगे कि कौन से नेल पॉलिश का कलर मैं ले कॉपीराइट आ जाएगा। चुप विशाल, के सच में रात का नशा आँख से नहीं गया, आँख पूरा सूजा सूजा क्योंकि रात भर मूवी देखा। रात भर रास्ता चूज करो, जो चूज करोगी उसी में जाने मिलेगा तुमको, ज्यादा देखो मत, बस चूज करो। देखो क्या है, साझा चूल्हा। सही बता, तुम चीटिंग कर रहे हो। कैसे? तुम ऐसे थे, हाँ। तो लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा था तो मुझे पता चल गया। स्मार्ट 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 स्मार्ट। वी रीच्ड गढ़वा और मैंने चीटिंग करके चूज किया है साझा चूल्हा। कोई नहीं, हमें तो एंजॉय करना है, डिनर करना है। कम विशाल, तो विशाल भी आ गया। देखो मैं चीटर कॉक वाला भी बहुत तो बेवकूफी की है, ठीक है? तो मेरा कोई चीटिंग नहीं, कोई बेवकूफ आदमी भी वो सही कर ले। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, पहले विशाल मुझे नेल पॉलिश लाएगा, मतलब नौ अलग का नेल पॉलिश लाए। डिनर के पहले जाके कॉफी कॉफी देखिए, एक नेल पॉलिश खरीदने के लिए हम इतने बड़े से जगह पे आए। तेज तो हम है, देखो शॉपिंग का लालच विशाल को दे रही हूँ। देखो शॉपिंग का लालच, हम लालच में नहीं पड़ रहे। नहीं मुझे तो, मेरे को बहुत लालच नहीं चाहिए। अरे विशाल मेरे लिए नेल पॉलिश चूज करते हुए दिखो, देखो मेरे नेल्स पे लगा के देखो, अच्छा लगेगा लेकिन क्लीन होने चाहिए। क्यूट तो थोड़ा, कोई रेडिश में है क्या कुछ भी? ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और। ओके प्लीज आइसक्रीम इसको खा लेंगे, गाड़ी में रखना नहीं। ठीक,
पता नहीं, तुम अपने ही दुकान समझो, लो जो लेना। कभी हम रेड कलर लिए नहीं है, अच्छा दिख रहा है। पूरा सब कुछ रेड रेड खरीदेंगे, अच्छा लग रहा है। शादी में भी रेड नेल पॉलिश नहीं लगाते। ये दोनों दे दो। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सांझा चूल्हा चौक, तो जा रही हूँ वहाँ पे। विशाल ऑलरेडी, ओ विशाल, वो जगह है बट हमेशा कोई बात नहीं। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें खाना क्या है। डिसाइड करके आइए घर से कि बिरयानी खाएंगे या बुल्टी खाना। नहीं, क्या नहीं, नहीं, नहीं। फिर से डिसाइड करते। पक्का ना डिसाइड करोगी ना? तो पनीर बटर पनीर में नहीं, पनीर में नॉनवेज। नॉनवेज देखो यहाँ का एनवायरमेंट, और यहाँ पे हमेशा ये देखो हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए विशाल फिर से किया है दोबारा। थैंक यू सो मच विशाल, आई लव यू। चिकन बिरयानी, ओ बर्थडे भी। विशाल बर्थडे में 2 महीना टाइम है, अभी से क्यों करवा रहे हो? सांझा चूल्हा स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी। नो, हांडी बिरयानी। हांडी बिरयानी बोल दो। खतरनाक दिख रही हो आस्था, खतरनाक दिख रही हो आस्था। आस्था खतरनाक दिख रही हो आस्था, मार देंगे अभी हम। खतरनाक दिख रही हो आस्था। क्या चीकू लेट दे देते हैं, वेट करते रहो, वेट करते रहो। चीकू क्या चीकू, क्या अभी हमारा लजीज सा अफगानी चिकन टंगरी। और इस टंगरी का टंगरी हम तोड़ने जा रहे हैं अभी, वो लेके आ रहे स्पून, विशाल खुद ही सर्व कर रहे हैं। हमसे बता तो खुद ही सर्व कर लो, भूखा इंसान। इसको मैं खाना नहीं देती हूँ ना बेबी। ये बहुत ही यमी दिख रहा है, बहुत ही यमी, बट इससे अच्छा टेस्टी तो अफगानी हम भी बनाते हैं। आस्था भी बहुत बहुत अच्छा अफगानी बनाती है, बहुत अच्छा। मैं भी अफगानी देखने जा रहा हूं, तो मैं खा के देखती हूं कैसा बना है, कैसा ये बनाए, उसके बाद आपको रिव्यू बताती हूं। तो अच्छा है। कैसा लगा? आज तक जब भी चिकन अफगानी बनाया खुद खा ही नहीं पाया, मेरे को पता नहीं। खा के बताओ कैसा ये। मेरे पास इतना सारा अनियन है इसलिए अनियन नहीं आया। क्या अरे खाओ ना बोरो। विशाल को नींबू पानी मंगाने बोले, विशाल दो दो कटोरी गरम पानी के साथ नींबू पानी पका दिया, ताकि तुम्हारा गला भी खराब ना हो। ऐसा करे और हाथ धो ले। प्यार 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 प्यार। खाना यम्मी था, खाना हम लोग खा लिए, पेट भर गया, और हांडी बिरयानी पैक करवा के भेजने जा रहे हैं। इसी को दम मार के खा ले। पानी का बॉटल भी ले गया, इतना पानी क्यों छोड़े? क्यों छोड़े भाई, 20 रुपए नहीं है, क्यों छोड़े? क्या सी आइसक्रीम भी खा लिए, फिर खाना है इसको आइसक्रीम। हाँ एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं गया था एक पूजा में, तो वहीं पे ये मेरे सर पे लाल लाल टीका लगा हुआ है। पूजा में नहीं गया था वो, एक मंदिर का इनॉग्रेशन था उसी में गया हुआ था। आ जाओ भुक्कड़ बीवी। तो खाना पीना सब खत्म हो गया, डेट हो गया ओवर, अब हम लोग निकल रहे घर की तरफ। नहीं अभी आइसक्रीम डेट बाकी है बेबी, आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा लो, बोल बोल के दो आइसक्रीम, दूसरा आइसक्रीम खा रही है, फिर सर्दी हो गया। एक आइसक्रीम मेरा सारा खा के इसलिए दूसरा लेना पड़ा, कुछ दूसरा नहीं। अब
वापस जाएंगे ना, वो पापा वाला दवाई दिए जो दवाई को नाइट वाला जो सर्दी खांसी का वो खा लेंगे मस्त। होम्योपैथिक जिंदाबाद, होम्योपैथिक होम्योपैथिक वाह वाह क्या बात है, वो खा लेंगे। हाँ तुमको होम्योपैथिक सूट भी करता है। हाँ मुझे होम्योपैथिक सूट भी करता है। और पापा इसको दे देते हैं दवा खाओ दवा खाओ, पापा दिए ना दवा, आइसक्रीम खाएंगे तो कोई बात नहीं दवा खा लेंगे, तबियत खराब होगा तो फिर दिखाएंगे यही वीडियो पापा को भी। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो बहुत अच्छा लगा होगा ओके, क्योंकि आप हमसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक बीबी बेचारी अबला नारी वो अपने पति से जिद करके बाहर आती है और पति उसका एक आइसक्रीम लेके खा लेता है फिर दूसरा आइसक्रीम भी उसको सुनाता है, यही हर बीबी का हालत होता है। तो गर्ल्स बी रेडी, और लड़कों का हालत ये होता है कि बोलो तो भी दिक्कत है ना बोलो तो भी दिक्कत है। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सा प्यार क्यूट सा डेट अच्छा लगा होगा, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। तब मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कहीं ऐसे ही टकराते हुए। सो टाटा बाय बाय सी यू।